एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए एबीसी, तो हमें यहाँ दिया गया है sec थीटा 13/12। sec का फॉर्मूला आप जानते हो, sec का फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं मुझे कोई? sec का फॉर्मूला क्या है तो आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि आप तो वीडियो वॉच कर रहे हो। मैं ही बता देता हूँ आपको, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। आप जानते हो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, तो ए सी अपॉन क्या जाएगा, ए सी अपॉन एडजेसेंट ए बी। आप जानते हो ए सी अपॉन ए बी जब आ गया समझो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, तो हम राइट कर देते पहले फार्मूला। देखिए sec थीटा मैंने राइट कर दिया हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास में, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास में 13। ये देखिए ऊपर जो दिख रहा है ना, ये ऊपर का जो है, तो हाइपोटेन्यूस का लेने का 13 और ये लेना है 12। तो इससे पता लग गया हमें ए सी अपॉन ए बी। तो मैं राइट कर डालता हूँ 13 और 12 को हाइपोटेन्यूस के ऊपर और ये 12 को, और उसको के कॉन्स्टेंट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? के कॉन्स्टेंट। अब बी सी हमें फाइंड करना है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पीजीटी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या बनेगा, आप जानते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, ए सी कितना है 13 के स्क्वायर, ए बी कितना है 12 के स्क्वायर, बी सी हमें फाइंड करना है। बी सी को जैसे वैसे राइट किए, 13 का होता है 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू, और 12 का होता है 144 के स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब 144 को 169 के करीब लिखा जाए तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। हमारे पास में 25 के स्क्वायर बचते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम जैसे स्क्वायर रूट लेंगे इधर, तो कितना आएगा हमारे पास में 25 के स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5, तो 5 के आ जाएगा। तो बी सी हमारे में 5 के आ गया, तो हम राइट कर देंगे बी सी इज इक्वल टू 5 के। चलिए आगे चलते हैं, आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा को फाइंड करता हूँ। साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, ए का साइन थीटा यानी ए, क्योंकि ए के ऊपर थीटा देवा है, ध्यान में रख लेना। ए के ऊपर क्या देवा है, यहाँ देवा है हमने थीटा, ध्यान में रख लेना। तो बी सी अपॉन, हम आगे चलते जैसा फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे हमारे पास में आ गया साइन थीटा का बन जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है आप जानते हो 5 के, बी सी कितना है 5 के अपॉन ए सी कितना है 13 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 5 अपॉन 13। चलिए साइन हो गया, आप चलते हैं कॉस पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस का हो गया ए सी। ए बी कितना है मेरे पास में 12 के, पुट कीजिए 12 के और ए सी कितना है 13 के, के से के कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना मेरे पास में 12 अपॉन 13। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, चलते आप टैन की तरफ चलते। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या हो गया, बी सी अपॉन एडजेसेंट ए बी। तो बी सी हमारे पास में कितना है 5 के और ए बी कितना है हमारे पास में 13 के, ए बी कितना है सॉरी 12 के। तो ये कट होके बचेगा हमारे पास में 5 अपॉन 12। अब साइन कॉस टैन हो गया, सेक तो पहले से ऑलरेडी हमारे पास में निकाला हुआ, हमने निकाली उसको, हम निकालते हैं आप कॉसेक। क्या निकालते हैं, कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस कितना है ए सी और अपोजिट साइड क्या हो गया बी सी। तो हमारे पास में आ गया 13 के अपॉन बी सी, बी सी कितना है 5 के, तो के से के क्या आंसर जाएगा 13 अपॉन 5। चलिए अब रहा हमारे पास में कॉट, कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला आप जानते हो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस ए बी अपॉन, क्या बताया मैंने, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपोजिट हो गया बी सी।
तो ए बी हमारे पास में 12k और बी सी हमारे पास में हो गया 5k, ये कट हो गया बचा 12/5। देखिए यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है, यानी इसका मतलब हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर दिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए और आपके व्यू थॉट्स कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए, जो अगर हम मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको मालूम पड़े। और जो भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग फॉर और वीडियो।